धार लोकसभा से सांसदों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। उनके सामने चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने ये याचिका लगाई है। निर्वाचन को चुनौती देते हुए इसे शून्य घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। वकील अभय उपाध्याय ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने नामांकन फॉर्म के साथ दिए एफिडेविट में कुछ जानकारियां छिपाई थी और कुछ कॉलस रिक्त छोड़ दिए थे। 26 अप्रैल को कलेक्टर धार के समक्ष हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी। नामांकन फॉर्म के साथ जो एफिडेविट गया था उसमें कॉलम रिक्त नहीं छोड़ सकते हैं, झूठी जानकारी नहीं दे सकते। बीजेपी प्रत्याशी के मामले में ऐसा हुआ था, लेकिन कलेक्टर धार ने हमारी आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की। 19 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी ने कोर्ट को बताया है कि बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर ने एफिडेविट के साथ नामांकन फॉर्म सबमिट किया है। इसमें पेज नंबर 6 पर अपनी आय बताना होती है। मंत्री ठाकुर ने 2018-19 में 38,671 रुपए सालाना आय बताई है, जबकि सांसद का पेंशन वेतनमान ही 1,90,000 रुपए महीना होता है। फॉर्म के साथ लोकसभा सचिवालय से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता है। सरकारी आवास से संबंधित पानी व अन्य बिल शामिल रहते हैं। ये भी बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से नहीं लगाया गया है। फॉर्म में दिए कॉलम में परिवार की आय का ब्योरा भी देना आवश्यक होता है, लेकिन मंत्री सावित्री ठाकुर के द्वारा जानकारी नहीं दी गई। इन ग्राउंड के आधार पर याचिका लगाकर कांग्रेस प्रत्याशी ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग करी है। क्या आपको लगता है कि इन दावों में कोई सच्चाई है? क्या सावित्री ठाकुर को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर इस खबर में कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको खबर विभाग के जरिए मिल जाएगा। खबर विभाग को मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।